आपको बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। कप्तान आज लाहौर के 6 हलकों में खिताब करेंगे। NA 136, NA 135, NA 133, NA 132, 126 और NA 129 में जलसों के लिए इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर रंग के नुमाइंदे जुबैर साजिद ढिल्लू से। जी जुबैर, बताएगा कि इस टाइम कप्तान कहाँ पर है? पहुंचे थे तो पहला जलसा उन्होंने NA 123 में किया था। कल रात शादरा में वो जलसा हुआ था। उसके बाद आज इमरान खान जो है वो शेड्यूल के मुताबिक 6 हलकों से खिताब करेंगे। ये मुख्तलिफ हलके जो हैं NA 136, 135, 133, 132 और 126 और 129, ये 6 हलके जो है फाइनल किए गए थे। इन 6 हलकों में इमरान खान ने खिताब करना था। अभी कुछ इंतजामिया की वजूहत की वजह से इनको हतमी शक्ल जो दी गई है हलकों को, वो 5 हलकों पर इमरान खान का जो है वो हतमी खिताब फाइनल हुए हैं। 129 जो हलका था गाजियाबाद का, वहाँ पे इमरान खान का खिताब और जलसा कैंसिल किया गया है। अब जो 5 पॉइंट बनते हैं 5 हलकों के, उसमें लाहौर जो रायविंड का रेलवे स्टेडियम था पहला पॉइंट, वहाँ पे खिताब होना था। उसके बाद वहाँ पे बारिश का पानी खड़े होने की वजह से उसका वेन्यू तब्दील करके सुंदर रोड में बदल दिया गया। उसके बाद दूसरा खिताब इमरान खान का ठोकर न्याज बेग पर होगा। तीसरा अकबर चौक लाहौर में होगा। चौथा जो है वो काहना में होगा। और आखिरी खिताब जो इमरान खान का होगा लाहौर के इंतजामी मुहिम के हवाले से आज का दिन में, वो सब्जाजार में होगा। ये NA 126 बंदा है सब्जाजार, यहाँ इमरान खान आखिरी खिताब करेंगे। ये आज का इमरान खान का 5 हलकों का शेड्यूल है, जहाँ इमरान खान जाएंगे और खिताब करेंगे। इस वक्त इमरान खान जो है वो 55 सी गुलबर्ग में अलीम खान जो सीनियर रहनुमाया तरीके साहब के, वहाँ पे उनके दफ्तर में मौजूद हैं। मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को वो इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। अब इंतजार कर रहे हैं कि जैसे इमरान खान फ्री होंगे और वो इन हलकों के दौरों के लिए जो है यहाँ से निकलेंगे, और पहला खिताब इमरान खान का जो है वो रायबंद में होगा। अभी यहाँ पे जो मुलाकात हुई है उसमें एक मुफ्ती जो है वो इरफानी साहब हैं यहाँ पे, हबीब इरफानी साहब जो सुंदर के वो पीर हैं, उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ इमरान खान से मुलाकात भी की है। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि सुंदर का जो इलाका है वो इमरान खान को वोट देगा और 25 जुलाई को इमरान खान को वहाँ से जो है वो जीत का सामना भी करना पड़ेगा। इस हवाले से मुलाकातें मुख्तलिफ लोगों से इमरान खान की 55 सी गुलबर्ग अलीम खान के दफ्तर में जारी हैं। इस वक्त अभी ये कहा जा रहा है कि तकरीबन थोड़ा वक्त लगेगा, तकरीबन 7 बजे का वक्त दिया जा रहा है। जराए के मुताबिक 7 बजे के करीब इमरान खान या अलीम खान के दफ्तर गुलबर्ग से निकलेंगे और सुंदर के लिए रवाना होंगे, और पहला खिताब जो है इमरान खान सुंदर करेंगे। उसके बाद ये तकरीबन वहाँ पे 8:30 बजे के करीब खिताब किया जाएगा। उसके बाद उसका अगला जो खिताब होगा इमरान खान का वो ठोकर न्याज होगा। NA 135 बनता है, 35 बनता है। ठोकर न्याज बेग के बाद जो है वो 103 जो कि सीनियर रहनुमा एजाज चौधरी का हलका है, अकबर चौक में जो है वो जलसेगाह की सारी जगह बनाई गई है जहाँ पे इमरान खान खिताब करेंगे। उसके बाद जो कौमी असेंबली के उम्मीदवार मंशा संधु है, NA 132 में इमरान खान का खिताब होगा। वो काहना का एरिया बनता है फिरोजपुर रोड का, जहाँ पे जलसे के लिए तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं, और वहाँ भी जो है खिताब होगा। उसके बाद आखिरी जो पॉइंट इमरान खान का होगा वो NA 126 का होगा। हमाद अजहर यहाँ से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं PTA की टिकट से, यहाँ पे सब्जाजार में इमरान खान का आखिरी खिताब होगा। उसके बाद ये 5 हलकों में खिताबात के बाद इमरान खान जो है हमारे ज़राए के मुताबिक वो आज रात यहाँ पे जमान पार्क में ही स्टे करेंगे, क्योंकि कल जो है वो मुल्तान में जलसा है तरीके इंसाफ का। तो ये बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक इमरान खान आज रात जमान पार्क में स्टे के बाद कल सुबह मुल्तान के लिए लाहौर से ही निकलेंगे। जी जुबैर साजिद, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे हम मजीद अपडेट्स लेते रहेंगे। और अब आपको बताएंगे चेयरमैन PTI इमरान खान आज NA 135 समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जलसों से खिताब करेंगे, और इस हवाले से मजीद तफसीला जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग वकास राणा से। जी वकास राणा, बताइएगा कि इस सबसे पहले इमरान खान, कहा जा रहा है कि सुंदर में पहला उनका खिताब होगा, और ये खिताब कब शुरू किया जाएगा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जुबैर साजिद ढिल्लू आपको अपडेट कर रहे थे कि इमरान खान आज किन किन हलकों में जाएंगे, उन NS की डिटेल भी बताई। इस हवाले से ये बताता चलूँ, इमरान खान इस वक्त जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, वो गुलबर्ग में मौजूद हैं लाहौर के इलाके, और वो उन्होंने मुख्तलिफ ताजिर बरदरी से भी मुलाकात की। इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को वो इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं। इस हवाले से अब से कुछ देर बाद वो निकलेंगे और पहला खिताब जो NA 136 में ठोक रायवंड में करेंगे।
और तकरीबन 7 बजे के करीब 7:30 बजे का टाइम दिया गया है, लेकिन जो पीटीआई ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि 7:15 से 8:30 का टाइम होगा जब इमरान खान रायवंड पहुंचेंगे, वहां पे खिताब करेंगे कारकुनान से। पाजियां के करीब, रायवंड में पाजियां के करीब जो है ये जलसागाह सजाया गया है, स्टेज लगाया गया है, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो कारकुनों से खिताब करेंगे, अपना मंशूर बयान करेंगे। उसके बाद ये ठोकर नियाज बेग जो है यहाँ पे पहुँचेंगे इस जगह पे। यहाँ पे भी बिल्कुल मेरे सामने जो है ये स्टेज लगाया गया है, रोड के ऊपर मेन जो रोड है उसे ब्लॉक किया गया है। दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है अपना पंडाल सजा रखा है उन्हीं के मद्दे मुकाबले में बिल्कुल रोड के ऊपर। अलबत्ता अभी जो है ये कारकुनान, अगर कैमरामैन दिखा सके, इसके पीछे कारकुनान की कोई बड़ी तादाद नहीं आई, अभी गिनती के चंद लोग ही जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तहम जो है उम्मीद की जा रही है कि इस हलके से जो NA 135 का हलका बनता है यहाँ पे मलत जो करामत खोकर और जो बाकी सूबाई और नेशनल असम्बली के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो एक बड़ा क्राउड इकट्ठा करेंगे। यहाँ से इमरान खान होकर अकबर चौक जाएंगे, फिर कान्हा में खिताब करेंगे और पांचवां और आखिरी खिताब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का सब्जाजार में होगा। वहाँ पे हमाद अज़र और जो बाकी तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो उनका इस्तकबाल भी करेंगे, और वो आखिरी किताब है जो तकरीबन 11 बजे के करीब, रात 11 बजे के करीब जो है वो मुतवक्के है, जिसके बाद इमरान खान जो लाहौर की सरगर्मियाँ हैं जो उन्होंने तेज़ की हैं, क्योंकि जैसे पंजाब एक बड़ा सूबा है और लाहौर को जो है लाहौर को कहा जाता है कि नून लीग का गढ़ है, तो इस गढ़ में जो है पंजे जमाने के लिए इमरान खान ने खूब हिकमत अमली तैयार की है। गुज़िश्ता रात उन्होंने NA 123 से अपनी आखिरी जो है वो शॉट्स खेलनी शुरू की थी लाहौर के तमाम हलकों में, जो जिसका पहला खिताब उन्होंने NA 123 में शादरा के मुकाम पर किया था, जिसके बाद जो है वो बाकी की मसरूफियात आज के रोज़ की थी, जो उन्होंने तमाम शेड्यूल जारी किया जिसमें ठोकर नियाज बेग, रायवंड, कान्हा, अकबर चौक और सब्जाजार के इलाके शामिल हैं। इमरान खान मुख्तलिफ मुकामात से होते हुए, मुख्तलिफ सड़कों से होते हुए जाएंगे, जहां पे रस्ते में भी उनके इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जितने भी कारकुन हैं, लीडरान हैं, उन्होंने रस्ते में इस्तकबाल करने के लिए भरपूर तैयारियां की हैं। तो हम देखते हैं कि आज का जो पावर शो है वो किस जानिब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेके जाता है, क्योंकि 4 से 5 रोज़ ही बाकी रह गए हैं इलेक्शनों में, तो ये आखिरी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की जो पिच है उस पर अपनी बारी ले रही है या इलेक्शन मुहिम चला रही है, आखिरी शॉट खेल रही है के में जो है वो लाहौर में अपनी इंतखाबी मुहिम के बाद जो है आज के ख़ास तौर पर काफ़ी चीज़ें क्लियर भी होना शुरू होंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आया के पंजे गड़ाने में कामयाब होगी लाहौर के अंदर या नहीं। जी बिल्कुल मोहम्मद वकास अपडेट कर रहे हैं NA 135 में। इस वक्त जलसे की तैयारियां अरूज पर है, खवातीन की भी वहां पर तादाद देखने में आ रही है, इसके साथ साथ वहां पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। इमरान खान सबसे पहले NA 135 में खिताब करेंगे, सुंदर का ये इलाका है, यहाँ पर खिताब करने के बाद ठोकर नियाज बेग की जानिब जाएंगे और इसके साथ ही हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर रंग जुबैर साजिद ढिल्लू मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जुबैर साजिद ढिल्लू बताइएगा कि NA 132, 133, 135 और NA 129 में तो इमरान खान जलसों से खिताब कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान का जो अपना हलका है NA 131, क्या वहां पर ये किसी जलसे से खिताब नहीं करेंगे या वहां पर इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं बनेंगे ये? जी जुबैर साजिद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप हमें बताइएगा कि NA 131 जो कि इमरान खान का अपना हलका है और इमरान खान उस हलके में साद रफीक के मद्दे मुकाबले हैं, तो इमरान खान के उस हलके से वलीद इकबाल खुद कैंपेन कर रहे हैं, तो क्या इमरान खान जो कि अब लाहौर में मौजूद हैं तो क्या अपने हल्के NA 131 का रुख नहीं करेंगे और वहाँ से जलसे में खिताब नहीं करेंगे? जुबैर साजिद ढिल्लू से हम रब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दफ़ा फिर से रुख करते हैं मोहम्मद वकास की जानिब जो कि NA 135 में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहां पर सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं। जी वकास राणा, आगाह कीजिएगा कि सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर। नहीं, बुनियादी तौर पे अभी हमें सिक्योरिटी की सिर्फ एक दो गाड़ियां ही नज़र आ रही हैं, कोई सिक्योरिटी के को खातिर खा या बहुत बड़े इंतजाम नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अभी तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हैं कि इमरान खान जब गुलबर्ग से निकलेंगे तो सबसे पहले वो
रायवंड जाएंगे, रायवंड के बाद वो इस मुकाम ठोकर न्याज बेग पर पहुंचेंगे। तो अभी सिक्योरिटी टीमें यहाँ पे प्रॉपर नहीं पहुंची है, जिस तरीके से कल हमने गुज़िश्ता रात देखा कि इमरान खान जब पहुंचने से एक घंटा कबल सिक्योरिटी के तकरीबन 700 अहलकार जो हैं उन्होंने पूरे ग्राउंड की चेकिंग की, अपनी अपनी पोजीशन संभाली, जो स्निफिंग डॉग हैं उनके थ्रू पूरे ग्राउंड की चेकिंग किया, स्टेज के मुकाम को चेक किया, स्टेज के ऊपर तलाशी ली गई। तो इस हवाले से अभी सिक्योरिटी की कोई बहुत ज़्यादा इंतजाम हमें नज़र नहीं आ रहे और ना ही सिक्योरिटी की कोई गाड़ियाँ पहुँची हैं, सिर्फ एक गाड़ी ज़रूर मौजूद है। तहम डेफिनेटली इमरान खान आ रहे हैं और सियासी पार्टीज़ को जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कैंपेन में मसरूफ़ हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ से कुछ ही फुटलांग के फासले पर जो है वो जलसा कर रही है, वहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद है। तो इसी तरीके से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन यहाँ पर पहुँचेंगे तो सिक्योरिटी की भारी नफरी जो है पहले ही पहुँच जाएगी और तमाम इंतजाम का जायज़ा लेगी, चेकिंग करेगी, उसके बाद जो है इमरान खान आएंगे और कारकुनान से खिताब करेंगे। जी मोहम्मद वकास से आना, सिक्योरिटी के हवाले से आपने हमें अपडेट किया। यहाँ पर यह भी आगाह कीजिएगा कि खवातीन के लिए यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ का जलसा हो और खवातीन ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता, तो खवातीन के लिए यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं? जी देखें, आपको इस हवाले से मैं बताता चलूँ, चूँकि ये कोई बहुत बड़े जलसे नहीं हो रहे ग्राउंड में, अभी चूँकि आखिरी आयाम हैं जो इलेक्शन मुहिम चल रही है, तो उस सिलसिले में अब तो में जाना है इमरान खान ने और तो कोई बहुत बड़े आ रहे या कोई ग्राउंड नहीं है। आज की जो मुहिम है वो सड़कों पर की जा रही है, सड़कों को ब्लॉक किया जा रहा है, इस तरीके से जो ट्रैफिक प्लान है वो तरतीब दिया गया है। जैसे ये ठोकर न्याज बेग जो है एक मेन रोड है, यहाँ से मुल्तान रोड भी सड़क जाती है, इसी तरीके से जो मुल्तान को जाने वाले रास्ते साहिवा लोकाड़ा फिर लाहौर का ये मेन दाखिली रास्ता है, मोटरवे को भी इधर से ही रास्ता जाता है, तो सड़कें खुली हुई हैं, ट्रैफिक मुतासिर ज़रूर हो रही है लेकिन मुकम्मल तौर पर ब्लॉक नहीं हुई। तो इस हवाले से जब इमरान खान यहाँ पर आएँगे तो वो इसी रोड पर जो ये कुर्सियाँ लगाई गई हैं मेरे पीछे तकरीबन 1000 के करीब जो हैं ये कुर्सियाँ लगाई गई हैं, यहाँ पे यहीं पे कारकुनान बैठेंगे रोड के ऊपर ही। इसी तरीके से ठोक जो रायवंड है वहाँ पे भी सड़क के ऊपर ही एहतमाम किया गया है, क्योंकि इमरान खान आएंगे, जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ अपनी रैलियां कर रहे हैं कि वो एक मुख्तलिफ मुकाम पर जाते हैं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, मुख्तलिफ नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बलियों की में जा रहे हैं, तो वो बाकायदा गाड़ी से गाड़ी में ही बैठ कर खिताब करते हैं। अलबत्ता कारकुनान की बड़ी तादाद जो है जिस तरीके से ये पंडाल सड़क के ऊपर ही बनाया गया, इसी तरीके से पंडाल बनाए जा रहे हैं और यहीं पे जो है वो फिर गाड़ी में बैठ के या फिर स्टेज पर आके खिताब करेंगे, ये उस वक्त डिसाइड किया जाता है जो सिक्योरिटी के मामलात होते हैं उन्हें मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया जाता है। इमरान खान या जो भी लीडरान इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं, सड़कों पर कैंपेन कर रहे हैं, क्या उन्हें स्टेज पर ला के उनसे तकरीर करवानी है, कारकुनान से खिताब करवाना है या गाड़ी में बैठ कर, ये सिक्योरिटी के मामला जो हैं ये उस वक्त डिसाइड किए जाते हैं। तहम कोई पंडाल में मखसूस खवातीन के लिए जगह नहीं बनाई गई, अलबत्ता स्टेज के बिल्कुल जगह नहीं बनाई गई। वकास राना आप हमारे साथ ही रहिएगा, एक दफ़ा दोबारा रुक करते हैं जुबैर साजिद ढिल्लू का, उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी जुबैर, बताइएगा कि वहाँ पर कारकुनान की अभी कितनी आमद जो है वो, कारकुनान का जो सिलसिला है वो आने का जारी है, कितनी तादाद जो है वो कारकुनान की आनी शुरू हो गई है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, इमरान खान जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं इस वक्त 55 सी लाहौर गुलबर्ग अलीम खान के दफ्तर में मौजूद हैं, यहाँ भी कुछ कारकुन जो है वो आना शुरू हो गए हैं अपने कप्तान के दीदार के लिए, वो दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वो इमरान खान का दीदार करें और फिर इमरान खान यहाँ से जो है पहले जलसे के लिए रवाना हो। अभी इमरान खान जो है दफ्तर के अंदर मौजूद हैं, मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं से उनका मुलाकात जारी है, तकरीबन ये वक्त दिया गया है 7:15 बजे का, 7 बजे के करीब इमरान खान यहाँ से जो है वो सिक्योरिटी की गाड़ियों के साथ रवाना होंगे। पहला जो पड़ाव उनका होगा वो रायवंड होगा, उनके जाने के रूट के हवाले से अभी हमारी एक ज़राए से बात हुई है, उन्होंने हमें बताया कि इमरान खान गुलबर्ग से बरास्ता रिंग रोड जो है वो ज्वाइन करेंगे, रायवंड रोड अड्डा प्लाट पहुंचेंगे और वहां से रायवंड रोड से होते हुए रायवंड मेन शहर में जा पहुंचेंगे। ये तकरीबन 7 बजे यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद वहाँ से पहुँच के रायवंड में पहले जलसे से खिताब करेंगे। अगर रायवंड से बात करें, वहाँ जलसा प्राइवेट रेलवे स्टेशन पर जो है पहले पंडाल सजाया गया था कारकुनों के लिए, लेकिन बारिश आज सुबह लाहौर में हुई तो बारिश के बाद जो है वेन्यू उसे तब्दील करना पड़ा, वेन्यू तब्दील करके मेन सड़क पे जो सुंदर रोड है वहाँ पे वेन्यू शिफ्ट कर दिया गया है, वहाँ पे इंतजाम जारी हैं।
कारकुन जो है वो वहाँ पे सुंदर पर रोड पर आना शुरू हो गए हैं अपने कप्तान के दीदार के लिए। पहले जो बात हो रही थी, वकास राणा भी बता रहे थे कि खवातीन की कोई बड़ी तादाद हमें दिखाई नहीं दे रही, उसकी ये वजह है कि ये कोई तरीके इंसाफ का बड़ा कोई जलसा नहीं है, क्योंकि ये कॉर्नर मीटिंग का नाम इन्हें दे दिया गया है जलसों के साथ साथ। क्योंकि हल्का वाइज इमरान खान जो है हर हल्के में, लाहौर के 14 हल्के हैं, हर हल्के में उन्होंने खिताब करने थे, तो उस सिलसिले में जो है इमरान खान का शेड्यूल जारी किया गया था। कल जो पहला हल्का किया गया था वो शादरे का था, उसके बाद आज जो है वो किया गया है ठोकर का जो हल्का है वो सबसे पहले वहां पहुंचेंगे। उस हवाले से कारकुन जो है उन्हें जो वक्त दिया गया था वो तकरीबन 6 बजे का दिया गया था, अभी बड़े कम तादाद में कारकुन आना शुरू हुए हैं। जैसे ही इमरान खान जो है यहाँ से गुलबर्ग ऑफिस से निकलेंगे रवाना होंगे, बिल्कुल 7:15 बजे जो है वो रावण पहुंच जाएंगे। बहुत शुक्रिया जुबैर साजिद ढिल्लो, आप हमें तफसीलन, और बहुत शुक्रिया वकास राणा, आपने भी हमें तफसीलन अपडेट किया। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के इंसाफ की इंतखाबी मुहिम जो है वो जोरों शोर से जारी है। कप्तान आज लाहौर के 6 हल्कों में खिताब करेंगे, एन 136, 135 और 133 में भी वो खिताब करेंगे, और इसके साथ ही 132 में भी वो कारकुनान से खिताब करेंगे।